पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल्स में। अगर नाम के साथ थोड़ा सा अगर हमारे ऑडियंस को आप इंट्रोड्यूस कर पाए सर, आपसे मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार, आई एम डायरेक्टर ऑफ स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया विच हैज बीन फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विच टुक परस्यू कोलोबरेटिव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आयरन एंड स्टील। सर मैं हिनेश दोषी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पार्ट प्रेसिडेंट ऑफ द चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट। आई एम रमेश चंद्र, आई एम कमिश्नर जीएसटी ऑडिट 2 एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई। सर आई एम राजीव जलोटा, चेयरमैन मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एंड इंडियन पोर्ट एसोसिएशन। सर नमस्कार, आई एम समीर पाटिल, आई एम द चीफ बिजनेस ऑफिसर बीएसई। राइट, सो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज जो है ज्यूरी मीट है सर, इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए ये अवार्ड कितना मायने रखता है, अगर थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं सर। देखिए इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो है एक, यदि हम दूसरी कंट्री के मुकाबले में देखा जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि जिस तरह की जो रिसोर्सेज और चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्रीज में अवेलेबल हैं, वो उस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है अवेलेबल है, और हमको मेनली जो है एक कोल बेस स्टील बेसिस के ऊपर आगे बढ़ना होता है। Right. तो उसके हमारे पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आते हैं, जो इम्पोर्ट वगैरह हैं हमारे, इम्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर काफ़ी रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रहती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर स्टील इंडस्ट्री को सर्वाइव करना, अपना एक सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क बना के रखना, और जो वर्ल्ड की जो एक्सपेक्टेशन है कि रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एंड अदर थिंग्स, उन सबको मीट आउट करते हुए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपने मार्जिन को, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए के रखना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो सूफी अवार्ड है जो कि सभी इंडस्ट्री को, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री भी हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी में क्या परफॉर्मेंस है, जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए जो अवार्ड बनाए गए हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है, और ये दूसरी कंपनी को भी उसी तरह की परफॉर्म करने के लिए आगे एनकरेज करते हैं कि वो भी इस लाइन में आगे बढ़ें, जिससे हम भी जो है अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें, और हमारे जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में ही नहीं केवल वर्ल्ड में भी हम अपना एक उसको बना सकें। राइट, इन्हें सर आपसे जानना चाहूँगा कि अवार्ड में, जब अवार्ड की बात आती है तो उसमें कैटेगरीज होती है, तो आप लोगों ने कैसे ये कैटेगरीज को डिवाइड किया है और क्या प्रोसेस होने वाला है उसका, अगर उस बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। ये पूरी प्रोसेस में एक इवेल्युएशन कमेटी है जिन्होंने अलग अलग कैटेगरी की है, इमर्जिंग स्टील कंपनी, लार्ज स्टील कंपनी, स्मॉल स्टील कंपनी, डिजिटल अवेयरनेस कंपनी, वैसे अलग अलग कैटेगरी की है। ऑलमोस्ट 250 टू 300 कंपनीज को उन्होंने इवेल्युएट किया है, फिर एक समरी बनाया है। तो आज का जो मीटिंग है वो जो समराइज कंपनी है उसको इवेल्युएट करना, उसमें से एक बेस्ट कंपनी चुनना, और अकॉर्डिंगली ऑल आर वेरी सक्सेसफुल, वेरी वाइज पीपल हियर ऑन द ज्यूरी पैनल, दे विल सिलेक्ट द बेस्ट कंपनी इन ईच ऑफ द कैटेगरी, दैट्स द प्लान। राइट सर, आई एम श्योर बहुत सारी कंपनीज होगी, बहुत सारे लोग होंगे चुनने के लिए, क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं जो स्टील इंडस्ट्री में होनी चाहिए सर, अगर उस बारे में कुछ बताया। स्टील इंडस्ट्री में होनी चाहिए कि ज्यूरी में, सर मेंबर्स में होनी, ज्यूरी मेंबर में नहीं सर, जो इनफैक्ट स्टील इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है। राइट, उसके अंदर स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस की बहुत बड़ी रेंज है और उनकी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज बहुत डाइवर्जेंट है। तो सूफी का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो हर कैटेगरी की जो यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है, उसको उस तरीके से सिलेक्ट करें जो कि उसकी टर्नओवर, उसकी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, उसकी इम्पोर्ट, उसकी कंजम्पशन, उसका कस्टमर बेस और उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके फाइनेंशियल्स और उसकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, इन सभी और उसकी पब्लिक परसेप्शन, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर एक की वेटेज होती है, और उसके बाद में एक कंपोजिट वे में एक स्केल के ऊपर उसको मेजर करें। तो अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, वो होती है उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी फाइनेंस की क्वालिटी और उसकी वैल्यू जो डिलीवर करती है वो कस्टमर को, ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन की क्वालिटी। So, ये सभी एटीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टील मैन्युफैक्चरर और यूजर के लिए, जो कि स्मॉल से लेके और लार्ज मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी उतने ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट होते हैं।
राइट, आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि सूफी के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसको कैसे कहना चाहेंगे आप लोग, अगर उस बारे में कुछ बताएं कैसी रिलेशनशिप रही है सूफी के साथ। सर अगर आप लोगों से स्टार्ट करें। सूफी के साथ मैं पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब ये स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था और उन्होंने मेरे को अपनी अवार्ड की जूरी पे पहली बार लिया था, तो मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अवार्ड बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में करे जाते हैं, इवैल्यूएशन काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट्स के थ्रू होता है और इनके पैरामीटर्स मतलब पहले से बता के रखते हैं और जो कि पब्लिक डोमेन से सारा काफ़ी डेटा निकाला जाता है और कंपनियों का इवैल्यूएशन करके एक फेयर ट्रांसपेरेंट वे में फिर डेटा ज्यूरी के पास लाया जाता है और ज्यूरी फिर इवैल्यूएशन करते समय हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं रहता है कि किसी को हमें मदद करनी है, एक बिल्कुल ही हम न्यूट्रल मैनर में ज्यूरी बैठ के ये काम करते आए हैं अभी तक हर साल। और ये अवार्ड होने की वजह से पहले साल हमने देखा था कि कम इंडस्ट्री आए थे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि मोर देन 250 यूनिट्स आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस अवार्ड के लिए कंपटीशन बढ़ा है और इस अवार्ड को जीतने का महत्व कंपनी उसको पता लग गया है और इसमें आपस में कंपटीशन बढ़ेगा और इंडियन स्टील इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में ये अवार्ड बहुत मदद करेगा। और इस बार तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अवार्ड और ESG रिलेटेड क्राइटेरिया को भी इवैल्यूएट किया है, ये स्टील इंडस्ट्री को और मॉडर्नाइज करने में और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत हितकारी होगा। समीर सर, सूफी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कैसे कैसे देखते हैं आप? BSE एक 147 इयर्स ओल्ड संस्था है और एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। BSE ने 2018 में कमोडिटीज चालू किया, तभी सूफी के साथ में हमारा MOU हुआ था। हम अभी 147 इयर्स में 11 करोड़ इन्वेस्टर्स के हम लोग महत्व समझ रहे हैं और उनका जश्न मना रहे हैं। साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज BSE का जो टेक्नोलॉजी है जो वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है विद अ रिस्पांस टाइम ऑफ 6 माइक्रोसेकंड्स, तो ये जो स्टील इंडस्ट्री को ये फायदा होने वाला है BSE प्लेटफॉर्म का और BSE को सूफी के तहत ये MOU के थ्रू जो फायदा होने वाला इस प्रकार का फायदा है कि BSE एंड यूजर्स तक पहुंच सकते हैं सूफी के थ्रू और सूफी उनको हेजिंग के लिए मतलब भाव जोखिम के विरुद्ध अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं वो आके स्टील यूजर्स स्टेक होल्डर्स ये प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को भाव जोखिम के तहत भाव सुरक्षित कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से बहुत सारी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, तो इसके चलते क्या होगा एंड यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि अगर प्राइस ऊपर जाती है या नीचे आती है तो अपने आप को कैसे हेज करें, रिस्क कैसे मिटिगेट करें, ये BSE के प्लेटफॉर्म सक्षम प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। और सूफी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, हम लोग ने बहुत सारे इवेंट्स के इनफैक्ट ये जो स्टील कॉन्ट्रैक्ट जो है बिलेट स्टील कॉन्ट्रैक्ट ये हम लोग कोविड के दौरान लॉन्च किया था एंड वी आर थैंकफुल दैट बिकॉज ऑफ सूफी एंड बिकॉज वी लॉन्च दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन दी इन जुलाई 2021 एंड श्री सज्जन जिंदल हैड लॉन्च दिस कॉन्ट्रैक्ट और रायपुर ये डिलीवरी सेंटर है हमारे पास और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आगे आके अपने आप को प्राइस वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज करना चालू कर दिया BSE प्लेटफॉर्म पर। फिजिकल डिलीवरीज हुए, एक्चुअल फिजिकल डिलीवरीज हुए कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो एट द एंड ऑफ द मंथ ये कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल डिलीवर हो जाते हैं, तो आज तक कम से कम 300 टन की फिजिकल डिलीवरी हमने रायपुर में देखी है स्टील बिलेट्स की और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स इसमें सहभागी हो, अपने आप को भाव जोखिम के विरुद्ध हेज करें और इसका फायदा सारे स्टेक होल्डर्स को हो। राइट, ऑल्सो आप लोगों से जानना चाहूँगा सर, कोई भी आंसर दे सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसी है 5 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी जो हमारे देश की होनी चाहिए, तो उसको लेकर कितना हेल्प करेगा जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है और ये स्पेशली अवार्ड मोटिवेट करने के लिए कितना कितना हेल्प करेगा सर जो जो काम कर रहे हैं इस सेक्टर में? देखिए क्या है कि स्टील जो है, जब स्टील की बात करते हैं, स्टील इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी और किसी भी कंट्री का यदि हम इकोनॉमिक स्टेटस को जब देखने की कोशिश करते हैं
तो जनरली यही देखते हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील क्या है वहाँ, और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द स्टील इज कंसिडर्ड एज ए मेजर कि भाई इसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है। यदि आज हम इतना देखें तो हमारा कंजम्पशन जो है वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट है, जो कि कुल 76 केजी है अगेंस्ट वर्ल्ड एवरेज 238.2 केजी। तो इससे पता लग रहा है कि हमारा स्टील इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा अभी गैप अवेलेबल है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति प्रोजेक्ट चालू किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू किए हैं, उसमें मैक्सिमम जो है सब जगह स्टील का यूज़ होगा। नए नए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, नए नए टाइप ऑफ स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम इस तरह के इस अवार्ड फंक्शन करते हैं, सूफी अवार्ड, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि डिजिटलाइजेशन लेके आना है, हम बोलते हैं कि इनके अंदर जो है सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करना है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने हैं, तो ये जो स्टील जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है उसमें ये एक बहुत बड़ा स्टील सेक्टर का योगदान रहेगा। जब तक स्टील सेक्टर आगे नहीं आएगा वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ग्रोथ को भी अचीव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड विद स्टील कंजम्पशन। सर और कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर डॉक्टर मुकेश ने जो बात बोली है बिल्कुल वाजिबी है कि स्टील सेक्टर की ग्रोथ तभी होगी जब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और स्टील का पर कैपिटा कंजम्पशन जैसे उन्होंने बोला है कि अभी इंडिया में काफ़ी कम है, और सरकार का फोकस अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है, और इससे उम्मीद ये है कि स्टील इंडस्ट्री इंडिया की बहुत आगे बढ़ने वाली है, और इस तरीके के अवार्ड्स जो हैं वो इस स्टील इंडस्ट्री की ग्रोथ में पूरी तरह से मदद करेंगे, और 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा, और उसमें स्टील इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा सहयोग देने वाली है। राइट सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टील इंडस्ट्री अब तक जुड़ी नहीं है और आगे जुड़ने वाली है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आप लोगों की तरफ से? देखिए, ये स्टील यूजर फेडरेशन अवार्ड मेड बिगिनिंग इन 2017, दिस इज द 5th सक्सेसफुल ईयर वेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज grown from strength to strength, and the number of the participants that has gone up to 256. क्योंकि इस संस्था का बड़ा महत्व है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण आइटम होगी तो वो स्टील होगी, वो अलग अलग टाइप का स्टील होगा, जो कि हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि स्टील यूजर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ये संस्था इतनी इस मुकाम पर जो आज पहुंची है, ये ना केवल एग्जिस्टिंग स्टील यूजर के अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रेरित करेगी, बल्कि आगे आने वाले समय में ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अपना बड़ा मुकाम हासिल करेगी। सर ने ऑलरेडी सब कवर कर लिया, अगर कोई कुछ मैसेज देना चाहता है तो प्लीज। देखिए क्या है, स्टील भारत जो है एक, जिसको हम बोलते हैं कि भारत इज ए मिनरल रिच कंट्री, रिसोर्स बेस्ड कंट्री, और इस कंट्री के अंदर जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर प्रोस्पर करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, मैंगनीज ओर है, कोल है, और लेकिन ज़रूरत है कि एक इसको एक प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। जो हमारे मोदी जी का भी, आदरणीय मोदी जी का जो हमारा सपना है कि हम जो भी चीज़ बनाएं अपनी स्वदेशी टेक्निक से बनाएं, स्वदेशी रॉ मटेरियल्स के थ्रू बनाएं, और जब हम ये इस तरह के अवार्ड अपना करते हैं उसमें हम सब चीज़ को देखते हैं कि इनका ESG क्या है। जब हम ESG की बोलते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, और जब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में हम आते हैं कि कितना किस तरह से वो ओर को यूटिलाइज कर रहा है, किस तरह से माइनिंग कर रहा है और किसके क्या पैरामीटर्स हैं, तो उससे एक दूसरे को लर्निंग भी मिलती है कि भाई यदि ये इसका ESG फैक्टर इतना आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं आ सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक इसमें जो है कंपटीशन भी बढ़ता है, और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा कि स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा तो उम्मीद ये है कि जिस तरह के हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंडिया इज ए राइट प्लेस टू बिकम ए हब फॉर स्टील इंडस्ट्री, and in time to come this will see a good growth.
और हमारा कंजम्पशन जो है डेफिनेटली जो आज 76 केजी है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारा टारगेट 158 केजी का है, बट वी विल बी एट पार विद ग्लोबल बेस्ट कंट्रीज. थैंक यू सो मच.